हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके क्लासेस। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेक्टर चैप्टर यानी कि टेंथ चैप्टर से है। तो क्या है, देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस टू के। ओके, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए वो तो पहले आपको पता होना चाहिए, तभी निकालोगे। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, ए कैप। ओके, तो ये क्या है मेरा ए का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, ये होता है वेक्टर ए यानी कि जो वेक्टर सेम है ये एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है हमारा यूनिट वेक्टर का। तो सिंपल आपको पता चल गया, देखो ये निकालना है मुझे, ये मेरे को दे ही रखा है, निकालना क्या पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना होगा कैसे भी। तो देखो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए, मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या फॉर्मूला होता है इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या होते हैं मेरे, आई जे के कोफिशिएंट। ओके, अगर यहाँ देखो तो एक्स कितना है यहाँ पर मेरा 1, वाई कितना है मेरा 1, जेड कितना है मेरा 2। ओके, अब देखो अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसने मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, रूट एक्स कितना है 1 का स्क्वायर प्लस वाई कितना है मेरा 1, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस जेड कितना है 2, यहाँ 2 का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले याद करने, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी बच्चों वाला सॉल्व करना है बस, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो ये कितना आएगा 1 प्लस यहाँ पर भी 1 प्लस 4, तो कितना हो गया रूट 6। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया मेरा कितना आया, 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 5 6, ये हो गया रूट 6। ओके, अब ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। तो मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए, सॉरी यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा, तो वेक्टर ए क्या है मेरा, ये आई प्लस जे प्लस टू के। ओके, नीचे क्या आएगा मेरा, देखो डिवाइडेड बाय क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, रूट 6, तो यहाँ लिख दो रूट 6, ये हो गया मेरा फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो यूनिट वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है ये वाला। ओके, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।